आज हम एक्सरसाइज 1.2 करने जा रहे हैं एनसीईआरटी रैशनल नंबर चैप्टर 1 क्लास 8। जो वीडियो नहीं देख पाए हो, प्रीवियस वीडियो एक्सरसाइज 1.1 का सारा सॉल्यूशन मैं बना चुकी हूँ वीडियो में, तो जो नहीं देख पाए हो वो ज़रूर देखें। लिंक शेयर कर दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से देख लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, रिप्रेजेंट दिस नंबर ऑन दी नंबर लाइन। तो नंबर लाइन में हम लोग को ये रिप्रेजेंट करना है। तो नंबर लाइन पहले होता कैसे, देख लीजिए, एक लाइन है, इसको हम लोग नंबर लाइन कहते हैं, ठीक है। यहाँ 10 इधर साइड होता है पॉजिटिव और इधर साइड होता है नेगेटिव, इसको कहते हैं नंबर लाइन। ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, क्लियर। चलिए अब हम लोग इसमें हम लोग ये दो क्वेश्चन है उसको नंबर लाइन पे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है 7/4, ठीक है। तो क्वेश्चन अच्छे से देख लीजिए आप लोग, 7/4 है, इसको हम लोग करेंगे। तो 7/4 है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करना है कि 7/4 को जब हम डिवाइड करेंगे तो आएगा 175, दिस वन पॉइंट। ओके, तो चलिए अब हम लोग इसको नंबर लाइन पे सॉरी करके देखते हैं। तो सबसे पहले ये चीज़ देखेंगे यहाँ पे कि ये पॉजिटिव है, ठीक है। तो ये नेगेटिव साइड में तो जाएगा नहीं, तो ये किसके साइड में जाएगा, पॉजिटिव साइड में जाएगा। और ये 1.75 है, तो ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे, 1 और 2 के बीच में ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, 1 या 2 के बीच में। तो हम लोग जो लाइन रिप्रेजेंट करेंगे उसमें क्या लिखेंगे, 0, 1, 2, ठीक है। तो चलिए हम लोग अब इसको बनाते हैं। ये लाइन है, ठीक है। चलिए अब हम लोग यहाँ पे 1, 0 लिखते हैं, क्लियर। एक साइड में 1 और एक साइड में 2 लिखते हैं। और ये जो 2 है इसमें 7/4 है, तो डिनोमिनेटर कितना है, 4 है। तो हम लोग इसको 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, क्लियर है। इसको और थोड़ा दूर लिख देते हैं, ठीक है। चलिए क्लियर है। अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, इसमें लिखने जा रहे हैं हम लोग नंबर। नंबर क्या था, 7/4, तो जो डिनोमिनेटर है उसको नीचे लिखेंगे। जब 0 और 4 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। जब 4 को 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। और अब यहाँ 2 है, तो डिनोमिनेटर तो 4 है, तो किससे डिवाइड करेंगे 2, तो 8 से। जब 8 से डिवाइड करेंगे 4 को तो कितना, 2 आएगा, क्लियर है। अब हम लोग इसमें हम लोग अब नंबर लिखेंगे, ये क्या है, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, ये तो आपको दिख रहा होगा। ये है 5/4, ये है 6/4, 7/4 एंड 8/4, ठीक है। तब हम लोग को चाहिए क्या आंसर, 7/4। तो कहाँ है 7/4, यहाँ है, क्लियर है। हम लोग का नंबर लाइन पे ये रिप्रेजेंट हो गया, तो 7/4 कहाँ पे आया, यहाँ पे, क्लियर, यस। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, -5/6। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो इसमें आंसर आएगा 0.83। इसको भी हम उसी तरह करेंगे। तो चलिए अब हम लोग इसको देखते हैं। और सबसे पहले इसमें क्या था, इसमें प्लस था और इसमें माइनस है, तो अब ये किधर साइड जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड जाएगा। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं नंबर लाइन पे। फर्स्ट हम लोग एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, नंबर लाइन हम लोग ड्रॉ किए, देखिए इधर साइड माइनस जाएगा और इधर साइड प्लस जाएगा, ठीक है। तो हम लोग को तो नेगेटिव में जाना है, तो यहाँ पे पॉजिटिव में तो कुछ लिखना नहीं है, तो इसलिए थोड़ा दूर में रखिएगा नंबर, ताकि स्पेस बचा रहे। तो ये 0 है, तो 0.83 था, तो इसमें हम लोग को कितना से कितना में जाना है, 0 से 1 के बीच में हो जाएगा, क्लियर। तो अब देखेंगे हम लोग उसमें कितना पार्ट था, 6 पार्ट था। डिनोमिनेटर क्या है, 6, माइनस 5/6 क्वेश्चन है ना, तो डिनोमिनेटर कितना है, 6 है। तो हम लोग उसी तरह 6 लाइन को ये नंबर लाइन पे बनाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है।
चलिए थोड़ा और दूर कर देते क्योंकि स्पेस अच्छा है। 1 2 3 4 5 ये 6 बन गया। ठीक है, अब हम लोग इसमें 6 लाइन को डिवाइड कर दिए हैं। अब हम लोग इसमें लिखेंगे, दूसरों सबसे पहले इसका डिनोमिनेटर लिखेंगे। तो 5 by 6 है तो नीचे लिखो 6 और ये है 0। 0 में से 6 जाएगा तो कितना 0 ही बचेगा, 0 divided by 6 सॉरी। ठीक है, अब यहाँ से लिखें -1 by 6 -2 by 6 -3 by 6 -4 by 6 यहाँ लिख देती हूँ 4 by 6 -5 by 6 एंड 6 by 6 माइनस। तो -6 by 6 होगा तो कितना होगा 1 ही होगा। ठीक है, तो हम लोग को आंसर क्या चाहिए था, -5 by 6। तो -5 by 6 कहाँ है, तो यहाँ है। तो ये नंबर लाइन पे आपका रिप्रेजेंट हो गया। क्लियर है, कोई डाउट नहीं। सबसे पहले जो नंबर दिया हो गया है उसको हम लोग सबसे पहले डिवाइड करेंगे, जो आंसर आएगा उसमें हम लोग देखेंगे कि ये आंसर जो आया है वो कितने नंबर से लाइक करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, जैसे आप लोग का ये 0.83 था और इसके पहले 1.75 आंसर आया था तो उसमें हम लोग देखे थे, तो उसी तरह हम लोग उसको 0 से लेके 1 या 1-2 के बीच में हम लोग लाइन करेंगे, ड्रॉ करेंगे नंबर लाइन। उसके बाद जो डिनोमिनेटर है, जितना 4 है 5 है 6 है जितना भी है आपके क्वेश्चन में, उससे उतना डिवाइड कर लेंगे, उतना लाइन ड्रॉ करेंगे नंबर लाइन में और फिर उसके बाद रिप्रेजेंट कर देंगे नंबर। क्लियर है, इसमें कुछ हार्ड का चीज़ नहीं है। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिप्रेजेंट -2 by 11 5 by 11 -5 by 11 -9 by 11 सेम वही क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें क्या है कि इसमें डिनोमिनेटर सेम है, सबका सेम है, तो ये एक ही लाइन में आपको ड्रॉ करना है। ठीक है, तो हम लोग ये भी सीख लेते हैं जब एक लाइन में कैसे ड्रॉ करना है। चलिए क्वेश्चन नहीं दिख पा रहा है, फिर से देख लेते हैं क्वेश्चन। -2 by 11 -5 by 11 -9 by 11 ऑन दी नंबर लाइन, ये क्वेश्चन है, आप लोग अच्छे से देख लिए क्योंकि स्पेस नहीं है जिसके कारण हमको थोड़ा सा नीचे करके लिखना पड़ रहा है। सबसे पहले हम लोग ड्रॉ करेंगे नंबर लाइन। तो ये जो नंबर लाइन है सबसे पहले उसमें क्या था, नेगेटिव था, तो नेगेटिव साइन है ना, तो यहाँ पे 0 लिखिएगा। ठीक है, अब उसके बाद ड्रॉ करना है लाइन, कितना है 11 है तो 10 1 2 3 4 5 6 8 9 10। क्लियर, अब हम लोग इसमें नंबर लाइन लिखेंगे, नेम क्या है 11। ठीक, 0 इधर लिख दो, अब यहाँ लिखो 1 by 11 -1 by 11 -2 by 11 -3 by 11 -4 by 11 -5 by 11 -6 by 11 -7 by 11 -8 by 11 -9 by 11 एंड -10 by 11 और 11 11 वो 1 आ जाएगा। ठीक है, वो नंबर लाइन में आप लोग कर लीजिएगा, यहाँ एक्चुअली यहाँ पे जगह नहीं था। तो चलिए ये हम लोग नंबर लाइन ड्रॉ कर लिए, अब हम लोग को आंसर क्या क्या चाहिए था, -2 by 11 -5 by 11 एंड -9 by 11। तो चलिए अब हम लोग आंसर खोजते कहाँ है, 2 by 11 ये यहाँ मिल गया 2 by 11। नाउ नेक्स्ट इज -5 by 11 ये यहाँ है एंड लास्ट वन इज -9 by 11 ये वाला। क्लियर, चलिए क्लियर है, नेक्स्ट देखते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट इज राइट रैशनल नंबर विच आर स्मॉलर देन 2। ये भी एक रैशनल नंबर इसमें बताना है, 5 रैशनल नंबर बताना है जो स्मॉलर देन 2 हो। तो चलिए इसको भी एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते पहले, फिर देखते हैं। एक नंबर लाइन ड्रॉ की हम लोग, ठीक है,
1, 2, 3, ये क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है। और एक वन हैंड साइड नेगेटिव, -1, -2, -3, ठीक है। अब इसमें क्या पूछा है कि स्मॉलर, पांच रैशनल नंबर बताओ जो स्मॉलर है। तो इधर तो क्या है, लार्जर, ये है पॉजिटिव, इधर साइड है नेगेटिव, ये है पॉजिटिव और ये है नेगेटिव, तो ये क्या है, छोटा साइड है। तो इधर से देखो तो सबसे छोटा क्या क्या होगा, 1, 0, -1, -2, -3, ये आपका आंसर होगा, क्लियर। 1, 0, -1, -2, -3। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, फाइंड द 10 रैशनल नंबर बिटवीन -2 and 1/2। फाइंड द 10 रैशनल नंबर बिटवीन -2/5 and 1/2। तो चलिए अब हम लोग इसमें देखते हैं, इसमें 10 रैशनल नंबर खोजना है बिटवीन -2/5 and 1/2 को। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन देख लीजिए। सबसे पहले हम लोग इसको इक्वल करना है, ठीक है। क्या इक्वल करना है, तो इसका डिनोमिनेटर इक्वल करना है। तो डिनोमिनेटर इक्वल करने के लिए स्टेप वन में हम लोग को क्या करना है, इक्वल करना है। तो -2/5 × एक बार इससे करना है, एक बार इससे करना है, तो 2 = -4/10, ठीक है। और सेकेंड स्टेप में क्या है, 1/2 का 1/2 × इसको एक बार 5 से कर दो, ठीक है। तो 5/10, तो मेरे पास आ गया है कि -4/10 and 5/10, क्लियर। अब हम लोग आगे देखेंगे नेक्स्ट स्टेप में क्या है। चलिए नेक्स्ट स्टेप हम यहाँ पे बता देते हैं, नहीं तो फिर से स्टेप 2 होगा, जो -4/10 आया था और क्या आया था, 5/10। तो इसमें हम लोग को 10 रैशनल नंबर निकालना है इन दोनों के बीच में। तो अब हम लोग इसको किससे इंटू करेंगे कि 10 रैशनल नंबर आ जाए, ये कम मत लेना है, कम नहीं लेना है, इसमें क्या लेना है कि ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। तो अगर हम लोग 4 से लेंगे तो 2 ही या 3 रैशनल नंबर आएगा, तो हम लोग इसको क्यों ना 12 से इंटू करें। दोनों को हम लोग 12 से जब इंटू करेंगे तो कितना आएगा, चलिए देखते हैं। तो 12 4 सा कितना होता है, 12 × 4 कितना होता है, 48 and 10 × 12, यस 120। चलिए फिर से एक बार बनाते, बाई मिस्टेक वो कट हो गया। -4/10 को जब हम लोग इंटू करेंगे 12 से, और 5/10 को भी हम लोग क्या करेंगे, इंटू करेंगे 12 से, बोथ हैंड साइड हम लोग 12 से जब इंटू करेंगे तो क्या सॉल्यूशन आता है, क्या रिजल्ट है देखते हैं। 12 × 4 = 48, ठीक है, माइनस एंड डिनोमिनेटर 12 × 10 = 120। अब 12 × 5 = 60 एंड 120, ये नंबर आया हम लोग के पास, ठीक है। अब क्या ये सारा नंबर 48 और 60 है, इसमें क्या 10 रैशनल नंबर बन रहा है या फिर नहीं बन रहा है, यस 48 से करो, अब काउंट करो 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, तो कितना नंबर हुआ। चलिए अब हम लोग लिख के भी देख लेते हैं क्या 10 नंबर आया या नहीं आया। 47 से लिखते हैं, ठीक है। चलिए एक बार फिर से क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं। फाइंड द 10 रैशनल नंबर बिटवीन -2/5 and 1/2। तो सबसे पहले हम लोग इसका एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। तो वो तो हम लोग डिस्कस कर लिए थे कि एलसीएम निकालेंगे, तो इसका जब एलसीएम निकालेंगे इन दोनों को पहले करेंगे, ठीक है। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ ये क्वेश्चन, ठीक है। 2/5 × 2 - 4/10, और जब 1/2 को करेंगे इंटू किससे, 5 से,
तो क्या आएगा 5/10, ठीक है। तो -4/10 एंड 5/10। अब हम लोग इसको देखते हैं कि स्पेस नहीं है इसलिए हम थोड़ा नीचे करके लिख रहे हैं। अब ये -4/10 जो आया है और ये 5/10 आया है, अब हम लोग इसमें 10 रैशनल नंबर हम लोग को निकालना है। तो ये कैसे निकालेंगे, तो जब हम किसी लार्ज नंबर से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तभी ये नंबर निकलेगा। ऐसा नहीं है कि आप लोग को 1 या 2 ही कोई नंबर से आप डिवाइड इंटू करोगे। अगर आप 3 से इंटू करोगे तो 4 3 = 12 एंड 10 × 3 = 30। तो क्या 12 और 15 इतना में तो 10 का रैशनल नंबर बिटवीन तो नहीं निकल सकता है। तो इसीलिए हम लोग को नंबर बहुत बड़ा नंबर लेना पड़ेगा जिससे कि 10 रैशनल नंबर निकल जाए। तो इसको हम लोग इंटू करेंगे किससे, 12 से, ठीक है। बोथ हैंड साइड 12 से जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखते हैं 12 × 4 = 48 एंड 10 × 12 = 120, ठीक है। और 12 × 5 = 60 एंड 10 × 12 = 120। अब ये आपके पास नंबर आ गया। अब 48 है और 60 है, तो अब इसमें हम लोग तो सिंपल से है कि हम लोग अब इसमें निकाल सकते हैं 10 नंबर रैशनल नंबर। कैसे, 48 के बाद से 59 तक काउंट कीजिए, 49 50। चलिए मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ये क्लियर है यहाँ तक, आप लोग देख लिए कि ये कैसे बनेगा, यहाँ तक कोई डाउट, ओके। तो चलिए अब हम इसका आंसर लिखते हैं, 49, यहाँ तो स्पेस नहीं है कि जो कि हटेगा नहीं, यहाँ पे लिख देती हूँ आंसर 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 एंड लास्ट वन इज़ 59। आई थिंक देर इज 11 नंबर, ठीक है। यहाँ पे 11 नंबर यहाँ पे शो कर रहा है, लेकिन आपको कितना लिखना है, 10 लिखना है। तो ये आप लोग का आंसर हुआ, ऐसे ही आंसर बनेगा। अगर कितने भी नंबर का आपको पूछे 10 डिजिट या 12, तो आपको ऐसे ही बनाना है, ठीक है। सबसे पहले उसको एलसीएम निकालिएगा, दोनों नंबर को इक्वल करना है, डिनोमिनेटर को इक्वल करना है, और फिर उसको ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है जिससे कि आपको 10 डिजिट आए, नंबर आए, ठीक है। अब आगे भी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसमें 5 निकालना है या 3 ही निकालना है, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड द 5 रैशनल नंबर बिटवीन दिस 2/3 एंड 4/5। देखिए ये आप लोग का क्वेश्चन आ ही गया, तो चलिए इसको भी वैसे ही है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। इन दोनों को हम लोग सबसे पहले निकालेंगे, 2/3 को किससे करेंगे, बार 5 से करेंगे और एक बार 3 से करेंगे। तो 5 × 2 = 10, 5 × 3 = 15 और 4/5 को करेंगे 3 से, तो 12/15, ठीक है, 12/15, 10/15 एंड 12/15, क्लियर है। अब हम लोग इसके आगे देखते हैं, जब हम लोग को आंसर मिला 10 एंड 12/15/15। अब हम लोग को इसमें कितना करना है, 5 नंबर को हम लोग को लेना है। तो क्या होगा आंसर, सोचिए किस नंबर से हम लोग मल्टीप्लाई करें। यस, 3 से करके देखते हैं पहले कि आता है या नहीं आता है। थोड़ा और दूर लिखते हैं, चलिए अलग, 10/12 × 3, 30/36 एंड 12/15, सॉरी बाई मिस्टेक, 10/15, 3 से करेंगे तो 30/45 और 12 को करेंगे 15 से,
तो 30 and 36, तो क्या हम लोग के पास नंबर आ रहा है 5 या फिर नहीं, देखते हैं। 31, 32, 33, 34 and 35 आ रहा है नंबर, 1, 2, 3, 4, 5, क्लियर है। यस, मैं इसके पहले वाले में मैं बताना भूल गई थी, सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी। ये जो है, जब आप आंसर लिखोगे तो 31 by 45, ठीक है, जो ये डिनोमिनेटर है उसको लिखना है। 31 by 45, 32 by 45, 33 by 45, 34 by 45 and 35 by 45, जो आपका डिनोमिनेटर आया है उसको उसके नीचे लिखिएगा, क्लियर है। अगर यहीं 6 पूछता या 7 पूछता तो आप यहाँ पे 3 की जगह 4 से मल्टीप्लाई करते हैं या 6 से करते हैं, ठीक है, क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। सेकंड है -32 and 5 by 3, इसको भी सेम उसी तरह करेंगे, इसको एलसीएम लेंगे, -3 by 2 into 3, एक बार इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 9, माइनस एंड 3 2 6, और एक बार 5 से करेंगे, 5 3 1 2, तो कितना आएगा 10 by 6, क्लियर है। -9 by 6 and 10 by 6, तो अब इसको हम लोग देखते हैं, आई होप आप लोगों को क्लियर हो। -9 by 6 और 10 by 6, ये हम लोग का आया था आंसर। तो अब हम लोग 9 by 6 है, -9 by 6, इसमें भी वही क्वेश्चन है कि 5 रैशनल नंबर निकालना है, तो हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 5 रैशनल नंबर निकल जाए, गेस इट। यस, 6 से करके देखते हैं, ठीक है, नंबर ज़्यादा होना चाहिए, कम नहीं लेना है। 9 6 54 36, इसको करते हैं, ठीक है, 6 से 60 and 36, तब देखिए -54 है एंड 60 है, तो चलिए देखते हैं आता है आंसर या नहीं आता है। यस, आंसर हम लोग का आ गया, -55 by 36, 56, 57, 58, 1, 2, 3, 4 and 5, 59, क्लियर है। यस, और सब में हम लोग क्या करेंगे, डिनोमिनेटर जो है उस डिनोमिनेटर को लिखना है, उसको भूलने जाना है, ठीक है, तो डिनोमिनेटर लिख दीजिएगा। चलिए क्लियर है, अब आगे देखते हैं। राइट 5 रैशनल नंबर ग्रेटर देन -2, इसमें -2 से बोला है, इससे पहले एक क्वेश्चन था जिसमें था स्मॉलर देन 2, तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग बनाएंगे नंबर लाइन 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3, ठीक है। अब यहाँ -2 बोला हुआ है ना, तो -2 से ग्रेटर, ग्रेटर मतलब इधर जाएगा, तो -2 से ग्रेटर क्या है, तो जितना सारा ये नंबर दिख रहा है ये सब क्या है, -2 से ग्रेटर है, तो सारा आंसर होगा -1, 0, 1, 2, 3, 4, क्लियर। चलिए अब आगे नेक्स्ट देखते हैं, एंड आई थिंक दिस इज़ योर लास्ट क्वेश्चन, और इसमें भी बहुत इजी है, इसमें भी 10 रैशनल नंबर बिटवीन खोजना है, 3 by 5 and 3 by 4, तो चलिए हम लोग जल्दी से इसको खोजते हैं। फर्स्ट हम लोग नंबर लाइन बनाएंगे, सॉरी सबसे पहले हम लोग इसको ये करेंगे 3 by 5 into, सबसे पहले आप लोग को क्या स्टेप याद रखना है वो हमेशा याद रखिएगा, जब डिनोमिनेटर सेम नहीं है अलग है तो उसको हम लोग को सबसे पहले सेम करना होगा, तो एक बार इससे मल्टीप्लाई करना और एक नंबर को दूसरे नंबर से, ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन समझ लीजिए, ठीक है। अब हम लोग इसका आंसर देखते हैं, 4 3
12, 5, 4, 20, 5, 3, 15 एंड 5, 4, 20 मीन्स 12 और 15 का बन रहा है, ठीक है। तो 12 और 15, अब हम लोग देखते हैं कि इसका 10 नंबर कैसे होगा। 12 एंड 15 बाई 20, 20 आया था ना, यस। इसका हम लोग को 10 रैशनल नंबर लिखना है, तो उसी तरह बनाना है, बहुत इजी है। अभी तक हमको लगता है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो 10 रैशनल नंबर लिखना है तो क्या, किससे हम लोग इंटू करेंगे, यस। सबसे पहले 8 से हम लोग मल्टीप्लाई करके देखते हैं बोथ साइड। जब हम लोग 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आता है, 12 8 96, यही तरह 12 8 96, 12 into 8 96 एंड 20 into 8 160 एंड 15 into 8 is 120 एंड 160। अब देखिए, अब इसमें तो बहुत बड़ा नंबर बन ही चुका है ऑलरेडी। अगर आप इसे 7 से लेते तो भी मे बी आप लोग करके देखिएगा, अगर आता है तो। 8 से लिए हैं, ठीक है। तो अब आप लोग इसके बाद कंटिन्यू कर लीजिएगा, 96 97 98 99 100 so on करते 120 तक लिख लीजिएगा कॉपी में। तो आज आप 9 और डिनोमिनेटर नीचे लिखना है, 97 by 100 98 by 160 98 by 160 99 by 160 so on करते लिख दीजिएगा, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ आप लोग को ये चैप्टर, ये 1.2 एक्सरसाइज क्लियर हो गया हो। और इसके बाद जो नहीं देखे हों चैप्टर 1 का इंट्रोडक्शन रैशनल नंबर, वो ज़रूर देख लीजिएगा। लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू।